offset. So next is offset. अब offset क्या होता है? It is very much similar to runner, but it is present in the aquatic plants. So it is similar to runner, but it is present in the aquatic plants. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अच्छा, अब जो aquatic plants होते हैं, the aquatic plants, they have aquatic plants में क्या present होता है? एक special tissue present होता है जिसको हम बोलते हैं parenchyma. Parenchyma क्या करता है? अब जो aquatic plants होते हैं, obviously they also require air for respiration. तो majorly तो वो water से ही derive कर लेते हैं, but होता क्या है? Obviously they need some air from the outside. जिसके लिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब सरफेस पे फ्लोट करते हैं, तो उन प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा. एयर मींस द एयर. तो उसमें क्या होता है, इस एरेनकाइमा की वजह से सम एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन दीज एक्वेटिक प्लांट्स, जो क्या करते हैं, उनको बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं. तो ये एरेनकाइमा क्या प्रोवाइड करेगा? इट एक्चुअली हेल्प इन प्रोवाइडिंग buoyancy. ठीक है, इट हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टे अफ्लोट. अच्छा, अब ऑफसेट क्या होता है? अगेन देर आर वन इंटरनोड लॉन्ग. ठीक है, एंड जो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो ऑफसेट है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू रनर, बट ये एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट है और रनर जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में प्रेजेंट है. तो ऑफसेट एक्चुअल में कैसा लगता है? सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द वॉटर, इसके ऊपर सपोज दिस इज अ नोड. ठीक है, तो अब इस पे से जो स्टेम अराइज करेगी, इट विल बी प्रेजेंट इन ऑल द डायरेक्शंस. ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अराइज करेगी. अगेन दिस वन नोड हियर, यहां पे भी इट विल अराइज इन ऑल द डायरेक्शन. तो ये जो नोड है, ये इस नोड से जो स्टेम अराइज कर रही है इन डिफरेंट रीजन, इसकी वजह से ऐसा लगता है इट इज एक्चुअली गिविंग अस द अपीयरेंस ऑफ अ रोजेट ऑफ लीव्स. सो एक जैसे रोजेट ऑफ लीव्स, मतलब जैसे लीव्स का एकदम ऐसे क्लस्टर सा जो फॉर्म हो जाता है, सो इट गिव्स अस दैट अपीयरेंस एक्चुअली. ठीक है, सो क्या हो जाता है, ये जो स्टेम होती है इसकी, स्टेम एक्चुअली बिकम्स स्वोलन. सो दिस इज अ नोड, सो यहाँ पे भी दिस इज अ नोड एंड दिस इज ऑल्सो अ नोड. सो ये रीजन अगेन क्या बन गया, दिस इज द इंटर नोड. एग्जैक्टली जैसे अभी क्लैडोड में पढ़ा, क्लैडोड दे आर एक्चुअली वन इंटर नोड लॉन्ग. ऑफसेट में भी एग्जैक्टली सेम चीज है कि दे आर ऑल्सो वन इंटर नोड लॉन्ग एंड ईच नोड बियर्ड्स अ रोजेट ऑफ लीव. ईच नोड It bears a rosette of leaves. ठीक है, so this is one node, this is one node, and this is also another node. So दो nodes के बीच का gap, that is the internode. ठीक है, and ये जो stem होगी, अब इसके जो roots होंगी, roots कैसी होंगी? Obviously stem से arise कर रही है, so these roots they will be the adventitious roots. And what are adventitious roots? Who's going to tell me? This Jia. What are adventitious roots? दो चीजों के बीच में कौन सी दो चीजें? तो टैप रूट क्या होती है फिर? Then what is tap root? Huh? बोलो. मैंने कल ही तो कराया, टैप रूट इज द पार्ट जिसमें प्राइमरी रूट प्रेजेंट होगा एंड प्राइमरी रूट विल ब्रांच टू गिव द सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट. एंड जो रूट को आप कभी भी आपके दिमाग में रूट वर्ड आता है तो यू हैव टू
कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो रूट होता है इट ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. अगर ये याद हो, ये मैंने कल बताया था, जो रूट होता है इट एक्चुअली डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, तो जो भी रूट रेडिकल से डेवलप करेगी वो रूट तो कौन सी होगी, दैट विल बी द टैप रूट. बट एनी रूट विच इज अराइजिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बट अदर देन द रेडिकल, अगर रेडिकल को छोड़ के जो रूट है वो प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर इमर्ज कर रही है, किसी भी पार्ट से, तो दैट इज एक्चुअली नोन एज द एडवेंटिशियस रूट. अब जैसे यहाँ पे इट इज एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम, सो दैट इज वाई दीज रूट्स दे आर द एडवेंटिशियस रूट्स एंड नॉट द ओरिजिनल और द टैप रूट. ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट्स को ऐसे नहीं डिफाइन करोगे कि दो पार्ट्स के बीच में प्रेजेंट होता है. सिंपल सा डेफिनेशन है, एनी रूट विच डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, बिकॉज जो ट्रू रूट होती है वो रूट वही होती है जो रेडिकल से डेवलप करे. अगर रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से रूट डेवलप कर रही है, सो दोस टाइप ऑफ रूट्स दे आर एक्चुअली द एडवेंटिशियस रूट्स. ठीक है, सो ऑफसेट और रनर में देयर इज नो डिफरेंस. ये बस डिफरेंस क्या है मेजरली कि ये तो ग्राउंड पे हो रहा है, दिस इज टेकिंग प्लेस ऑन द एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है, और इसमें क्या है, ये वन इंटरनोड लॉन्ग होंगे. इसके बीच में देखो ऐसा नहीं है, ये वन इंटरनोड लॉन्ग नहीं है. व्हाई? बिकॉज इफ इट वुड हैव बीन वन इंटरनोड लॉन्ग, सो जो सेकंड प्लांट है वो इमीडिएटली यहाँ पे ग्रो करना चाहिए था. बात समझ में आ रही है? इफ इट वुड हैव बीन वन इंटरनोड लॉन्ग, सो ये वाला जो नेक्स्ट है वो इमीडिएटली यहाँ पे ग्रो करना चाहिए था, बट वो यहाँ ग्रो नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दिस रनर इज एक्चुअली नॉट वन इंटरनोड लॉन्ग, बट ये जो ऑफसेट होता है इट इज एक्चुअली वन इंटरनोड लॉन्ग. जैसे ही एक नोड है, उसके जो एडजेसेंट जो नोड होगा वहां से द प्लांट और दिस स्टेम विल अराइज. ठीक है, सो इट गिव्स द अपीयरेंस की जो प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, इट इज एक्चुअली रनिंग ऑन द वॉटर, सो इट इज नोन एज द ऑफसेट. एंड इसका एग्जाम्पल होता है पिस्टिया एंड द आइकॉर्निया. ठीक है, आइकॉर्निया जिसको वॉटर हाइसिंथ भी बोलते हैं. वॉटर हाइसिंथ इज एक्चुअली नोन फॉर इट्स एक्सेसिव ग्रोथ रेट एंड इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, बिकॉज इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो ग्रोथ रेट है इतना फास्ट है, इसके में से कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, एंड इसका जो प्रॉब्लम है कि इतना फास्ट रेट पे ग्रो करता है, इतना फास्ट रेट पे ग्रोथ करता है कि जो वॉटर एनिमल्स हैं या जो अदर वॉटर ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं, they get deprived of the oxygen, because major oxygen is derived kar it is being derived by the eikornia. So rest of the organisms ya jo bhi life forms water body mein present hai, they actually get deprived of the oxygen and they are forced to die. And obviously sabko pata hai ki water mein the dissolved oxygen level is comparatively low. Air se to obviously jo oxygen hai wo dissolved kam hoti hai water mein. So, इसीलिए दिस आइकॉर्निया इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल, बिकॉज इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम सीन इन वेस्ट बंगाल एंड इट क्रिएटेड अ हैवॉक इन दैट एरिया. ठीक है, सो इसमें ऑफसेट के एग्जाम्पल में आप लर्न करेंगे पिस्टिया एंड आइकॉर्निया. ठीक है, इसके बाद में दो सिमिलर टर्म्स की हम बात करेंगे. दो सिमिलर टर्म्स कौन से, वन इज द सकर एंड द अदर इज द स्टोलन. सो आई डिस्कस देम टूगेदर. One is sucker and the other is stolon. ठीक है, अब sucker क्या होता है? So sucker is a small stem this is a small underground stem and the nodes they give rise to another stem and they move obliquely. Firstly we'll write down stolon. Stolon mein kya hote hain, they are elongated horizontal or arched runners. So they are elongated horizontal arched runners which can cross over small obstacles.
दोनों के अंदर एग्जाम्पल्स, पहले सकर में एग्जाम्पल आएगा मिंट एंड क्राइसैंथेमम। मिंट कौन सा? जो पुदीना हम लोग घर में यूज करते हैं, दैट मिंट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ सकर, एंड द अनदर एग्जाम्पल इज क्राइसैंथेमम। स्टोलोन में एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी। अब ये इनका मतलब क्या है? देखो सकर में क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है, तो ये वर्ड बहुत जरूरी है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल पे क्या है, सपोज दिस इज द स्टेम विच इज ग्रोइंग एंड दीज आर द रूट, ठीक है, विच इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। अब क्या हो रहा है कि जो ये स्टेम है इट इज एक्चुअली ग्रोइंग, मैंने यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम लिखा है, तो मतलब जो स्टेम की आपके पास जो ब्रांच निकल रही है दैट विल बी अराइजिंग अंडर द ग्राउंड। तो यहाँ पे इसके नोड्स हैं, वेरियस नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये नोड चलती, ये ब्रांच चलती रहेगी, वेन इट एक्चुअली सडनली ये एकदम ग्राउंड पे ऐसे टच कर जाती है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक नोड होगा, तो जहां पे ये नोड होगा ये फिर से वापस चलेगी चलेगी चलेगी, यानी फिर से यहाँ पे एक नोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्लांट्स कैसे अराइज करेंगे, तो जहां पे भी ये नोड है ग्राउंड को टच किया उसने, यहाँ पे दिस विल बी द प्लांट और द न्यू स्टेम विच विल बी एक्चुअली अराइजिंग। दोनों में सब में देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगेन दिस इज द स्टेम रीजन, ये सारा क्या है स्टेम है। सो डिफरेंस क्या है, देखो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम वर्ड याद रखना है, तो जो